बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया और उन्होंने सीधे कांग्रेस और टीएमसी दोनों पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको, बाटला हाउस एनकाउंटर पर बोले हैं रविशंकर प्रसाद। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था, यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? आपको एक विषय और जानना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है, दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये है बड़े सवाल। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।